देखिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 7.1 एक्सरसाइज का है आपका, और यहाँ लिखा है देखिए, ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, ठीक है ना। ए बी लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट पी है, ये लिखा हुआ है इसमें, तो आप गिवन में लिख सकते हैं इनको। गिवन में क्या लिख सकते हैं, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी मिड पॉइंट ऑफ, इसका मतलब ये हो जाएगा ए पी इक्वल टू बी पी, हो जाएगा ना। अच्छा फिर क्या है, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी और ई इस तरह से पॉइंट हैं कि ये एंगल देखो बी ए डी, बी ए डी यानी ये वाला एंगल और ए बी, ए बी ई यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये भी गिवन है, लिख देंगे। एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये तो एक क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, और क्या गिवन है, एंड एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी ए, टी पी बी सॉरी, ई पी ए और डी पी बी, ई पी ए क्या है देखो, ई पी ए और डी पी बी यानी ये दो डबल मार्क लगाए, ये दोनों एंगल इक्वल है। अच्छा अब इसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि शो दैट, आपको ये दिखाना है डी ए पी कॉन्ग्रेंस ई पी बी, डी ए पी का मतलब डी ए पी यानी ये डी ए पी, और दूसरा क्या है ई बी पी, ई बी पी यानी कि ये वाला, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस रूप बने, ये और एक ये, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, तो अब टू प्रूफ क्या करना है, ये सामने लिखा हुआ है, ये तो क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाना है आपको क्वेश्चन, तो फिर आप भले ही लिख दो चलो टू प्रूफ, ठीक है ना, सामने लिखा ही हुआ है ये, बस उसी को लिख देंगे जो लिखा हुआ है। तो एंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है, दूसरा ए डी इक्वल टू बी ई, ठीक है ना। कभी कभी सवाल भूल रहे हो, आगे नहीं आता, तो आप गिवन और टू प्रूफ लिख देते हो, और थोड़ा बहुत अगर कोशिश करते हो तो एक नंबर मिल जाता है, ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा शुरू से लिखा रहा हूँ और ज़्यादा, कि आपको ये लिखना आ जाए, क्योंकि ये सब लिखना तो बहुत बिल्कुल आसान है, गिवन और टू प्रूफ को क्वेश्चन से ही लिख देते हैं, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से समझो तो आगे का भी कुछ कठिन नहीं है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करेंगे, तो ट्राइंगल ले लेंगे हम ये दोनों, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया था, पी मिड पॉइंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए पी इजकल टू बी पी, यहाँ हम लिख सकते हैं ए पी इजकल टू बी पी, क्या लिख सकते, क्योंकि पी इज द, यहाँ गिवन लिख दो ना सीधे सीधे, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, गिवन आपको सवाल में गिवन, ए पी इजकल टू बी पी, ठीक है। और एक एंगल ये गिवन है, ये वाला, ये दोनों है देखो, इस ट्राइंगल पे ये एंगल और इस ट्राइंगल पे ये दोनों एंगल ए और बी, तो इसको जिस तरह दिया उस तरह से लिख दो, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ये भी गिवन है, बी ए डी क्या हो गया देखो बी ए डी, और दूसरा है ए बी, ए बी यानी ये दोनों एंगल, एक ये एक ये, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरा ये एंगल हमें दिया है, एंड ये एंगल हमें गिवन है दोनों, तो इस क्या लिखा है इसमें, ई पी ए एंगल, ये जो इसमें लिखा हुआ है सवाल में वो क्या लिखा है, ई पी ए इजकल टू एंगल डी पी बी, ये लिखा है। तो देखो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ई पी ई सॉरी ई पी ए, ई पी ए से क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है, ट्राइंगल तो ये था और एक ये था, तो अब यहाँ पे कमी क्या आ रही है, देखिए अगर मैं इस एंगल को ई पी डी, ई पी डी एंगल को अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ दोनों में, तो क्या होगा, देखो ये एंगल इतना है, ये पूरा हो जाएगा, तो फिर इसका बन जाएगा
और ये वाला यहाँ से पूरा हो जाएगा तो इसका हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के लिए, एडिंग एंगल, ये एंगल ऐड करना है ई पी डी, एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें ऐड कर दो एंगल ई पी ए प्लस एंगल, लिख के पहले दिखाना पड़ेगा, लिख देते हैं ठीक है। अब देखिए ई पी ए क्या था, ई पी ए ये था, इसमें ये एंगल जुड़ गया ठीक है, तो ये एंगल इसका कंप्लीट हो गया ए पी बी, देखो ई पी इतने एंगल में अगर ये जुड़ गया ये वाला हिस्सा और जुड़ गया इसमें, तो ए पी डी एंगल कंप्लीट हो गया, एंगल ए पी डी, इसी तरह से एंगल यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया बी पी ई ठीक है ना, ये एंगल कंप्लीट हो गया। तो क्या हो गया, एक एक एंगल आ गया दोनों ट्रायंगल्स का, एक एंगल यहाँ पे आ गया, दो एंगल है एक साइड है, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हैं और यह एंगल एंगल साइड भी लिख सकते हैं, तो बाई एंगल एंगल साइड रूल्स, ट्राइंगल जो हमने लेके चले थे कौन कौन से थे, डी पी ए डी ए पी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, ई बी पी, ये ट्राइंगल बनेगा यहाँ ठीक है, तो डी ए पी और ई बी पी ये कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट के लिए था ये, और सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है ए डी इजकल टू बी, तो देखो ए डी इजकल टू बी ये सी पी सी डी से आ जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंस है तो लिख देंगे, देखिए ये तो लिखा ही हुआ है पहले से, देन अब लिख देंगे हम यहाँ पे ए डी इजकल टू बी बाई सी पी सी डी ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल प्रूव्ड कंप्लीट हो गया ये।